नमस्कार सभी साथियों को। ये जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी वीडियो में पहला ही क्वेश्चन हमने ऐसा कराया है, जाके देख सकते हैं। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, सारे टॉपिक को आप ढंग से पढ़िए। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ 2050 बैच में 20-25 बेसिक ट्रेनिंग क्लास है उसको करिए। 90% क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। देखिए, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और प्रत्येक 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है, 35% का लाभ कमाता है। देखिए, सबसे पहले ये डबल एमआरपी का क्वेश्चन है। डबल एमआरपी का क्वेश्चन मैं अभी आपको समझाता हूं। देखिए, ट्रेनिंग क्लास में बार बार ऐसा क्वेश्चन हमने कराया था कि छूट यहां से मिलती है और प्रॉफिट यहां से मिलता है, लेकिन इस क्वेश्चन में डबल एमआरपी हम लोग लेंगे। ध्यान से देखिए, 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है, तो छूट प्रतिशत निकालने के लिए हमने क्या सिखाया था? बहुत बढ़िया, 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है तो छूट प्रतिशत के लिए 1/16 × 100 हमने सिखाया था। 5 चूड़ियां खरीदने पर एक चूड़ी मुफ्त में देता है तो 1/5 + 6 छूट प्रतिशत इंटू 100। 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है यानी कि 1/16 भाग छूट देता है, यानी 16 पे 1 का डिस्काउंट, यहां पे 15 करेंगे, और 4% की छूट देता है यानी यहां से अतिरिक्त छूट देता है 4%। 4% क्या बनाता है? 4% बनाता है 1/25, यानी 25 की वस्तु को वह 24 में बेच देता है, फिर भी प्रॉफिट होता है 35%। 35% बनाता है 7/20, 20 की वस्तु यहां पे 27 हो जाएगी। देखिए, यहां पे कुछ नहीं है, 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 यहां पे कुछ नहीं। देखिए, हमें यदि इस क्वेश्चन को करना होता तो मैं जल्दी कर लेता, लेकिन आपको समझाना भी है। देखिए, इस 15 को यहां भरेंगे और इस 15 को यहां भरेंगे। क्यों भरेंगे? ट्रेनिंग क्लास करना पड़ेगा। 24 भरेंगे, यहां पे 27 भरेंगे और यहां पे 27। देखिए, यहां पे गुणा करने की जरूरत है, इनसे तो कुछ रिश्ता रखना नहीं है क्योंकि सीपी और एमआरपी की से वैल्यू है। एमआरपी सीपी से कितना प्रतिशत ज्यादा है, देखिए इनसे कुछ रिश्ता आपको अब नहीं रखना है। 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, 8 × 1 = 24, 8 × 2 = 16, ठीक है ना? 3 × 3 = 3, 3 × 9 = 27, 20 × 3 = 60। यदि सीपी हमारा 60 है तो एमआरपी ये वाला 9 × 5 = 45, 2 × 90। एमआरपी सीपी से कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है, और सीपी हमारा नीचे आएगा, 100 से गुणा करेंगे, 50%। एमआरपी सीपी से 50% ज्यादा होगा। मेरे देश के युवा साथियों, मैंने इसको बड़े मेथड से कराया है क्योंकि शॉर्टकट आप समझ नहीं पाएंगे। शॉर्टकट समझने के लिए कंप्लीट अध्ययन प्रॉफिट लॉस करना पड़ेगा, ठीक है? फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, मैथ 2050 बैच ज्वाइन कीजिए, और ट्रेनिंग क्लास यदि एडमिशन नहीं भी लेना चाहते हैं तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस की प्ले लिस्ट में जाकर ट्रेनिंग क्लास कीजिए। दुनिया की किसी भी परीक्षा में, भारत की, जो इस सिलेबस से मिलता जुलता है, मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रेनिंग क्लास में से आते हैं। इसका आंसर है 50%। धन्यवाद।